फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्पेशल जो हम जीरा आलू की रेसिपी बनाते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाती है। विद इन 10 to 15 मिनट्स में ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और आपके साथ इसका पूरा प्रोसेस शेयर करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग बनेगी और बहुत ही सिंपल से इंग्रीडियंट हम इसमें ऐड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज रेसिपी। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर भी करना है और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। सो आई होप आपको आज की ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब मैं बहुत कम जो है वीडियो डालती हूँ, तो इन वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कुकिंग ऑयल, तो कुकिंग ऑयल हम इसमें आधा कप के करीब जो है हम ऐड करेंगे। ऑलमोस्ट हाफ के जी के करीब मैंने आलू लिए हैं, जिनको थोड़ा राउंड शेप में जो काट लिया है। आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई भी शेप में जो है उसको काट सकते हैं। तो इसमें हम ज़ीरा तकरीबन आधा चम्मच के करीब डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें। तो ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, ज़ीरा हमने इसमें डालना है और हमें इसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पकाना, जस्ट थोड़ा सा मिक्स करना और उसके बाद हम इसमें जो है आलू ऐड कर देंगे। तो गाइस, अब हम डालते हैं आलू। आलू काट के ना हमेशा उनको पानी में रख लिया करें ताकि जो है वो ख़राब ना हो। इनको ऐड करते हैं और फिर मिक्स करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे। फ्रेंड्स, आलू मैंने डाल दिए थे तो अब इनको हम मिक्स करते हैं। तो इनको अच्छा सा हमने फ्राई करना है, जैसे हम चिप्स फ्राई करते हैं इसी तरह हमने इनको पकाना है। तो अब हम इसमें इसके साथ ही हम थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड करेंगे। नमक से पहले इसमें दो हरी मिर्च इस तरह इनको हमें काट लेना है और इनको जो है वो ऐड कर लेना है। इसके साथ हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे। आज वॉइस ओवर नहीं करना, आज साथ साथ ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो आपको कैसा लगा आप मैं सेटिंग में जरूर बताना है। तो नेक्स्ट मैं इसी तरह से वॉइस ओवर नहीं किया करूँगी, डायरेक्ट ही रिकॉर्ड करके वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। तो इनको थोड़ी देर के लिए हम फ्राई कर लेते हैं, फिर हम तकरीबन 4-5 मिनट लगेंगे और ये रेडी हो जाएंगे। तो 4-5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, आलू जो हैं फ्राई हो चुके हैं, तो स्पाइसेस ऐड करते हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लिया है, देन हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर में इससे ज़्यादा नहीं ऐड कर रही, जस्ट 2-3 पिंच ही ऐड करूँगी, जस्ट फॉर टेस्ट 2-3 पिंच के करीब इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं। दैट्स इट, अब हम इसको मिक्स करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका एक ज़बरदस्त सा जो है वो टेस्ट होगा और बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार होंगे। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना, इसमें ना ही हमें टमाटर की ज़रूरत होगी, ना ही प्याज की ज़रूरत होगी। जस्ट हमने ज़ीरा लेना है और डेली बेसिस पे जो हम स्पाइसेस ऐड करते हैं उसको आप डालना है और ज़बरदस्त ज़ीरा आलू जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो मिक्स हो चुके हैं, तो हम थोड़ी देर पकाएंगे और फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब करेंगे पानी ऐड, आधा कप के करीब मैंने इसका पानी ऐड किया है। तो मिक्स करेंगे और कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और ज़बरदस्त हमारे ज़ीरा आलू जो है वो रेडी हो जाएंगे विद ग्रेवी। फ्रेंड्स, आफ्टर 5-2 मिनट बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे इसको जो है पकने के लिए छोड़ दिया था, तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। और उसके बाद अब हमने इसको से अच्छी तरह से रोस्ट कर लें और हमारे ज़ीरा जो आलू हैं रेडी हो जाएंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल में इससे ज़्यादा पड़ गया, तो आपने क्या करना है थोड़ा कम ऐड करना है। अब हम तो लास्ट में फिर सर्विंग करके आपको बहुत साथ शेयर करूँगी। रेसिपी कैसी लगी आज की, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इनमें जस्ट टमाटर का पेस्ट भी डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो अगर इसको विदाउट टमाटर या विदाउट प्याज से भी बनाएंगे तो बहुत ही अमेजिंग बनकर देंगे। झटपट बनने वाली रेसिपी है, जल्दी से अगर कोई मेहमान आ जाता है या फिर अपने जल्दी से बनाने हो तो आप विद इन 10 to 15 मिनट्स में जो ज़बरदस्त ज़ीरा जो है आलू रेडी कर सकते हैं। थोड़ा सा मज़ीद हम मुझे ना पसंद है थोड़ा थोड़ा ना इसका ऐसे चूरा कर देना और फिर उसके बाद इनको कर देना। आप चाहे तो पूरा पूरा भी आलू जो है पीस रख सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, आप ये रेडी हैं, तो आप इन्हें पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ जो है सर्व कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।